आज हम एक डिश बना रहे हैं करेला और प्याज। ये हम पहले इसको फ्राई करेंगे और करेले को इसको पहले नमक लगा के इसको धो के रखा हुआ है। ओके। और इसकी स्किन उतारी हुई है और इसलिए कि लोगों के लिए आसानी के लिए। तो अभी ऑयल गर्म हो रहा है, जैसे ही फ्राई हो जाएंगे अच्छे तरीके से फिर हम इसको साइड पे करेंगे, बाकी फिर हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे आपके सामने। हल्का सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम इसको रखेंगे साइड पे। फिर हम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, मतलब हाफ टर्न करना है, फुल भी नहीं करना है उसको। उसके बाद फिर टमाटर शामिल करेंगे, बाकी मसाला डाल के उसको अच्छे तरीके से प्याज को मिक्स करना है। आखिर में करेले डाल के उसको हल्का सा दम पे रखना है। तो उतना फिर टमाटर का जायका, टमाटर के साथ आपको प्याज और फिर करेला, जब आप रोटी के साथ खाएंगे तो उसका ज़बरदस्त अच्छा कम्बिनेशन बनता है। फिर साथ इसके अंदर करेला जो है अभी हम फ्राई कर रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं ये। अच्छा, तो अब इसका कलर आ गया, तकरीबन आ चुका है। अभी इसको हम चूल्हे को करूँगा बंद, अभी इसको जो है ना बाहर निकालूंगा इसी तरह। तो फिर हम इसी ऑयल में तमाम इसका मसाला तैयार करें? जी नहीं, इसी ऑयल में नहीं, क्योंकि हो सकता है ऑयल थोड़ा कड़वा हो गया। मुझे करना ये ऑयल मिक्स, इतना काफ़ी है ये इस तरह। थोड़ी हरी मिर्ची और साथ में इसके अंदर हम डालेंगे प्याज को इस तरह, दो अदद प्याज है काफ़ी। इसको पकाएंगे? हाँ, इसको बस हल्का सा पकाएंगे, इसके अंदर ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। ओके। ये खड़े खड़े रहे प्याज हो गया और इसमें हल्का सा नमक डालना है, ज़्यादा नहीं, करेले में नमक ऑलरेडी है। और साथ में ये कूटा धनिया जो है वो शामिल करेंगे, थोड़ी लाल मिर्चें वो भी शामिल करेंगे इसके अंदर, और थोड़ी हल्दी है ये भी शामिल करेंगे। सारी चीज़ें मिक्स कर दी। टमाटर कब जाएंगे? टमाटर डालते हैं इसके बाद। अच्छा, अभी नहीं? हाँ, थोड़ा ये अभी टमाटर में थोड़ा पानी भी होगा, छोटे टमाटर में ये रफली काटे मोटे मोटे ऐसे ही हो। हाँ, ऐसे ही हो ये इस तरह। अभी करेले जो है इसमें ऐड कर देंगे, इसमें साथ ही कर देंगे, साथ में कर लेंगे। अब इसको ऊपर से हल्का सा दम पे रख लेंगे, थोड़ा हरा धनिया डाल के इसको। ये तकरीबन बस 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, इतना सा है, इतनी सी मेहनत है और करनी चाहिए और अच्छा खाना चाहिए।